जब रामचंद्र जी उनके पिता दशरथ को राजपाट सौंपने वाले थे, तभी उनकी दूसरी पत्नी कैकेयी को दासी मथुरा ने खूब फड़काया। तो मथुरा ने कहा कि राजा तो आपके बेटे भरत को बनना चाहिए। इसके बाद कैकेयी ने राजा दशरथ को दो वर मांगे, पहला भरत को गद्दी मिलनी चाहिए और दूसरा राम को 14 वर्ष तक वन में रहना होगा। राजा दशरथ को अपनी पत्नी को वर पूरे करने पड़े। जब रामचंद्र जी वनवास के लिए अयोध्या से निकले, तब लक्ष्मण जी ने उनके साथ जाने की इच्छा जाहिर की। तो लक्ष्मण के साथ वन में जाने की बात सुनकर उनकी पत्नी उर्मिला भी साथ जाने की जिद करने लगी। तब लक्ष्मण जी अपनी पत्नी उर्मिला को समझाते हैं कि वो अपने बड़े भाई और मांस भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम वनवास में साथ चलोगी तो मैं ठीक से सेवा नहीं कर पाऊंगा। तब लक्ष्मण की सेवा भाव को देखकर उर्मिला भी साथ जाने की जिद छोड़ देती हैं और महल में ही रुक जाती हैं। तो वन में पहुंचकर लक्ष्मण भगवान राम और सीता के लिए कुटिया बनाते हैं। जब राम और सीता कुटिया में विश्राम करते थे, तब लक्ष्मण जी बाहर रहते थे। वनवास के पहले दिन जब लक्ष्मण पटेदारी कर रहे थे, तब उनके सामने निद्रा देवी प्रकट हुए। तो लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगे कि वह 14 साल तक निद्रा मुक्त रहना चाहते हैं। निद्रा देवी ने कहा कि तुम्हारे हिस्से की नींद किसी और को लेनी होगी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि उसके हिस्से की नींद उसकी पत्नी को लेनी होगी। इस कारण लक्ष्मण जी 14 साल तक नहीं सोए और उनकी पत्नी उर्मिला लगातार 14 वर्ष तक सोती रही। 14 वर्ष के बाद जब भगवान राम और माता सीता के साथ जब लक्ष्मण जी अयोध्या से वापस आए, तब नींद की अवस्था में रामचंद्र जी की राज तिलक समारोह में उर्मिला भी उपस्थित थी। यह देखकर लक्ष्मण को हंसी आ रही थी। जब लक्ष्मण से हंसी की वजह पूछी गई, तो उन्होंने निद्रा देवी से वरदान के बारे में सब कुछ बताए। तो लक्ष्मण ने कहा कि जब मैं उबासी लूंगा तब उर्मिला की नींद खुलेगी। तब लक्ष्मण जी इस बात को सुनकर सभा में मौजूद सभी हंस पड़े और सभी को देखकर उर्मिला जी वहां से उठकर चले गए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।